माय नेम इज आशीष कांबळे, मैं IIM गोवा ग्रेजुएट हूँ। तो भाई जय श्री राम। सुप्रभात। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर एक ऐसा शेफ है जो अपने खेत से फ्रेश सब्जियां निकाल के हमारे लिए रेडी बैठा हुआ है। तो हमने भी जूते चमकाए, गाड़ी उठाई और पहुंच गए नासिक। तो भाई आज हम आ गए मुंबई से नासिक शेफ आशीष का खाना खाने उनके फार्म्स में। करेक्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है नो नेटवर्क जोन। नो नेटवर्क। ग्रेप फील्ड है ये सारा कुछ, ग्रेप फील्ड। और देखो हमारी एक गाड़ी खड़ी है और स्काई देखो भाई, स्काई देखो। कैसे कहे क्यों हम गए रेस्टोरेंट सम नाइस। ओ व्हाट फार्म्स, इन फार्म्स में बैठे सामने बनाए फिर हम गए। पूरा आशीष को भी मिलेगी। ब्रांड का नाम है द सॉइल। अरे वाह, क्या हियर कम मिस्टर आशीष, हाउ आर यू सर, फाइनली। माय नेम इज आशीष कांबळे, मैं IIM गोवा ग्रेजुएट हूँ। ओके। सो उसके बाद आई वाज एट डोबरो नरीमन पॉइंट फॉर 1.5 ईयर्स। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट किया। बेसिकली वी आर 80% फार्म टू टेबल, 20% वी हैव टू आउटसोर्स सम थिंग्स, सो वी डू दैट एंड इट्स एवरीथिंग ऑर्गेनिक। तो रेस्टोरेंट का नाम द सॉइल है। सो लॉन्ग बैक 2015 में हम लाइक पहले हम ग्रेप्स बेचते थे बस, अभी भी बेचते लेकिन तब चालू किया तो बेस्ट ग्रेप्स नाम से चालू किया। हां बेस्ट ग्रेप्स, करेक्ट। राइट। सो व्हेन आई केम बैक आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन एंड डूइंग माय जॉब, आई वाज वी स्टार्टेड इट ओवर हियर। और मेरे को नाम वो नहीं कंटिन्यू नहीं करना था तो मैंने द सॉइल नाम से चालू किया। ये मेरा खुद का फार्म है। सो बेसिकली माय फादर इज फुल टाइम फार्मर, वो फार्मिंग ही करते हैं। स्टाफ जो है सब लोकलाइट्स है। लोकलाइट्स, वेरी गुड। सो इफ वी आर डन विद दिस, दे आर गोइंग टू गो एंड हेल्प मी विद द फार्मिंग। अच्छा। आफ्टर दैट दे कम ओवर हियर। आप इंडिया में लाइक मुंबई में रेस्टोरेंट्स है जो फार्म टू टेबल करते हैं बट दे आर नॉट सिचुएटेड ऑन द फार्म, दे आउटसोर्स फ्रॉम द फार्म। देयर इज कॉलीफ्लावर। अच्छा, ये कॉलीफ्लावर। इसको जो बांबूस पे लगे इट्स बिटर कॉर्न। वाह। सो इट इज डैम स्पाइसी। That's तूर दाल। वो ये इट्स बीटरूट। सारे कैरेट्स हैं। कैरेट्स, ये ऑरेंज, ऑरेंज कैरेट्स। ये ऑरेंज कैरेट्स, ओके। देखो ये स्ट्रॉबेरीज बन रहे हैं। हाँ, रेड स्ट्रॉबेरी। अरे वाह। मेरी आ गई भाई। ये इट्स मिंट। हाँ, ये देखो ये पूरा मिंट, कैबेज, कोरिएंडर। दे आर ब्लैक इन कलर बट दे हैव रियली माइल्ड फ्लेवर ऑफ मैंगो। मूला। इट्स मिंट, पेपरमिंट, बेसिल। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। च्युइंगम। पूरा शुगर केन है। पैशन फ्रूट है। पैशन प्रूफ। ब्लू जावा। अच्छा। सो इट इज गोइंग टू बी बिट ब्लूइश इन कलर। बिट ब्लूइश। और जो फ्लेवर है इसका इट्स प्योर वैनिला। तो भाई पूरा वॉक थ्रू ले लिया है फार्म का। ओह। तो ये भाई हम खा रहे राजमा सिड्डू। वाह। माइंड ब्लोइंग है यार। नेक्स्ट है टमेटो पटेटो। यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक बड़ा वाला टेबल भी है, बाकी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आ गए, सब फैमिली आ गई। तो और ये दो लोगों का टेबल भी है जो एक्चुअली में चार लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ, आराम से। और भी टेबल लग सकता है, और एक टेबल और भी टेबल यहाँ पे लग सकते हैं। वाह, ये अपना टमेटो पटेटो। टमेटोज आर रोस्टेड, इट इज स्टफ्ड विद पोटेटो एंड टमेटो प्यूरी। ओके। सम रोस्टेड क्यूमिन, ऑनियंस एंड कोरिएंडर। ओके। ऊपर जो है इट्स पिकल्ड कैबेज विद सम फर्मेंटेड टोमेटोज ऑन द साइड। ये पूछना था कि मुझे अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका कुछ प्रबंध है क्या? ये एलिमेंट पोर्शंस बनाते हैं उसको। नहीं। भाई साहब, टोमेटो पोटेटो हुआ और अब आएगा मोज़रेला। This is, we make our own cheese, we don't outsource it. हाँ वही ना। ये चीज है ना इसीलिए है। आएगा मुंह में? हाँ। इस कर ले। अपनी थोड़ी होगा। ये आ गया स्पून, इसके ऊपर जाएगी तुलसी। मोज़रेला हो गया और अब आएगा चॉकलेट सॉर्बेट। वाह, स्ट्रॉबेरी तो चाहिए ही। हाँ, वी मेक आवर ओन चॉकलेट्स, द बार ऑन टॉप, इट्स 75% डार्क चॉकलेट, सम पेपरमिंट, बेसिल एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी। पहले इधर। बिटर है, डार्क चॉकलेट है। इसलिए थोड़ा बिटर है। अरे है, अरे किधर है? धरती पे है, धरती पे। वाओ वाओ वाओ।
स्वीट भी है, डार्क भी है, मतलब मस्त लग रहा है। और मैंने एक्चुअली स्ट्रॉबेरी के पीस के साथ खाया है इसको भाई। अभी नेक्स्ट है ग्रीन पीस कैशियो। कैशियो ग्रीन पी वड़ा, जो वड़ा इज मेड ऑफ कैशियो ग्रीन पीज एंड ग्रीन चिलीज। और ये सॉस इज राजमा सॉस विथ सम ऑनियंस। सेंटर में जो एग्स ग्रीन पीस विज आर टोस्टेड विथ सम रेड रेडिश एंड रेड चिली टोमेटोज। द ब्रेड ब्रेड इज पोई विच इज एन ऑथेंटिक गोवन ब्रेड। भाई तो अभी टेस्ट करें अपन ग्रीन पीस कैशियो। ये गोवन ब्रेड है, गोवन ब्रेड पोई पोई। अरे मां को सा अंदर फीलिंग था उसका। स्मोक रायता, स्मोक द रायता। ओए होए 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 होए। सेंटर में जो ओनियन पेटल्स है दे आर चार्ड एंड फिल्ड विद एग प्लांट इज रोस्टेड विद सम इनोस ब्रेड बूंदी एंड मिंट लीफ ऑन टॉप। वाह भाई। ओके थैंक यू। डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बहुत कमाल वाली आइटम आने वाली भाई, कमाल है। पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट। तो पैशन फ्रूट जो होता है तो ना एक फ्रूट। अरे जल्दी बता ना, पैशन फ्रूट सब्जी बनेगा कि डेजर्ट बनेगा वो बोलना। फ्रूट जैसा है पैशन फ्रूट। हाँ अरे तो फ्रूट तो लिखा ही है उसमें, क्योंकि उसका नाम पैशन फ्रूट है। ये मैं वो कर रहा हूँ जो मैं एग्जाम सुन ये मैं सुन साला एक्टिव पैसे वो फुल स्केप भर रहा है क्या? पर सब्जी होगा, गरम होगा, ठंडा होगा? ठंडा होगा। चलो ठीक है देख ले, ठंडा होगा। ठंड फ्रूट देखा, कूल कूल है। हाँ कूल है। पैशन फ्रूट, सो ऑन टॉप इट्स पैशन फ्रूट क्रीम, उसके नीचे इट्स पैशन फ्रूट आइसक्रीम। ओके एंड द बेस इट्स मलाई बर्फी। कौन है, कहां से बनाते ऐसी चीजें भाई? ये बहुत टेस्टी लग रहा है। कहां से बनाते ऐसी चीजें? यू नो वो खट्टा जैसा हो रहा था ना पैशन फ्रूट आइसक्रीम। हाँ पैशन फ्रूट का नाइस। और अभी आ रही है हमारी फाइनल डिश मोतीचूर। अभी मोतीचूर लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ होगा पता नहीं। मोतीचूर का लड्डू है कि अब तू गेस मार मोतीचूर। पहले मैंने फैशन फ्रूट का गेस मारा जो 70-80% राइट हुआ। हाँ तो अभी मोतीचूर का तू गेस मार, कैमरा घुमा। मोतीचूर के जो पीसेस होते हैं ना उसके साथ कुछ होगा, उसको पीसेस बूंदी बूंदी। हाँ बूंदी के साथ होगा, मोती लड्डू नहीं होगा। लड्डू नहीं 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 नहीं, लड्डू तो पॉसिबल ही नहीं, लड्डू तो है ही नहीं। बूंदी थोड़ी मीठी होगी, स्वीटर इज द आइसक्रीम एंड स्वीटेस्ट ऑफ ऑल इज द गुलकंद एट द बेस। वाओ ओके, गुलकंद एट द बेस, अंदर है कार्डमम आइसक्रीम, टॉप इट्स बूंदी बूंदी। ओके ओके कैसा है? स्काईफॉल बहुत सही है स्काईफॉल। तो भाई हो गया हमारा लंच, सारी आइटम्स आ गए और भाई लाइफ नहीं गए, सारे आइटम्स खा लिए। संभाल संभाल संभाल। और इसकी बहुत मस्त वाली मैंने रील भी बनाई है तो वो भी अपलोड करूंगा। यस यस यस। काशीनाथ लक्ष्मण, लक्ष्मण भी हेल्प करता है आशीष को। बहुत मजा आया आशीष, बहुत बढ़िया थे। और ये अगर समझो कोई बाहर से मतलब अल्कोहल लाता है तो अलाउड है? अलाउड है। अच्छा अल्कोहल अलाउड है। ब्रिंग योर ओन लिकर एंड अल्कोहल। ओके बट आई हैव द सेट ऑफ ग्लासेस एंड ऑल, आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट। ओके यू हैव टू ब्रिंग योर ओन लिकर एंड ऑन। वेज के लिए 1450 पर हेड है, वेज के लिए 1250 पर हेड है। ओके सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग कि क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ओके हां, अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत जरूरी है, सीधा आ मत जाना 24 आवर्स पहले। हाँ वो तो क्या 24 आवर्स पहले आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, तो आप पहले फोन करके अपॉइंटमेंट स्लॉट अपना बुक कर देना फिर ही आना। चलो थैंक यू, बाय 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 बाय। हो गया हमारा मस्त वाला लंच यस पे, और धीरे फार्म यस भाई, फार्म तो पूरा देख ये मस्त वाला वे जहाँ से हम लोग ने एंटर किया था। और पीछे देख लो मेरे, पीछे देख लो, पूरा विलेज है ये, विलेज एरिया है पूरा। मजा आया रे, बहुत मजा। देखो लुकिंग लाइक अ वाओ। अरे लुकिंग लगा चाओ है। तो भाई यहाँ की ना एक बहुत अच्छी बात बताना भूल गया मैं, यहाँ है ये जगह है त्रिम्बकेश्वर मंदिर से बस 10-15 मिनट दूर।
बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अपन भी जा रहे हैं ना, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। भाई दर्शन हो गए थे मस्त वाले। yes. और देखो गाड़ी कहाँ रोकी है, देखो और ये देखो। वाह मस्त शॉट आ रहा है। अभी हम लोग निकले हैं मुंबई के लिए। और कहाँ जाएंगे? मुंबई के लिए निकले हैं, अभी हो रहा ड्राइवर चेंज। चलो तो भाई घर पे आ गए। आज हमारा फार्म टू टेबल वाला ब्लॉग और त्र्यंबकेश्वर में दर्शन किए हमने लास्ट में। तो ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन ब्लॉग्स ट्रिपल वी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो मिलेंगे कल और एक तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।